सारण गांव की, सारण गांव तो स्टेट है, सारण गांव में तो सब मान रहे, ना मानिए तो फिर की बात अलग है, नहीं तो सारण गांव तो मेन है। रही बात हमारी सब सारण गांव की, तो आज हमने जो है तन और मन और धन से आज जो है मौका है, ये लोग ये कहते हैं अरे 1 करोड़ की मांग है एनआई की, मैं तो सब जो लंगूर बंदर रहे हैं को आज भी नहीं ना, 1 करोड़ में दोपहर 11 बजे से टिकट निकली पड़ी है, बहुत बढ़िया मौका है। अब की बात जो आपने ये बात कर दी तो कोई हुरत नहीं करेगा, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी बिल्कुल सेफ रहेगी, कोई इनके नाम पट्टो ना लिख रहा, कोई मेरे भाई अगर आगे आना चाहे, सोशल वर्क करना चाहे, पार्टिसिपेट करना चाहे, समाज में जाना चाहे, तो सबकी निकलना खुला हुआ है। अभी आप देखोगे पीछे जो तुगलकाबाद, एक गांव में 6 टिकट गई थी, एक गांव में 6 कैंडिडेट थे 6 पार्टियों के, तो ये पंडित जी को हमें रोक थोड़ी रहे का ये भी, परंतु पंडित जी ने जो रास्ता खोला सबसे पहले मेरे को परिवार को धन्यवाद और एहसान बंदी होना चाहिए हमें जो है कि इन लोगों ने जो हमारी बात जो है आगे तक खटका दी और आज भी ये हमारी जो है साथ है और हमसे आगे चल के भी राजी ना, पीछे चल के राजी ना, आपके बिना कहीं जाने के राजी ना। तो साथियों मैं तो आपसे हाथ जोड़ के एक ही बात कहूंगा कि आज मौका है, बहुत बढ़िया मौका है, मालिक मिला रहा हूँ मेरे चाहे रेलवे प्लेटफॉर्म का नाम बोलो, मैं जो सारे गांव की जमीन में डहुआ मंडी नाम डहुआ मंडी और जमीन सामगी, तो ये सारी बात पहले पावर ले लो, ताकत ले लो, पहले अपने को जो है ना ताकतवर बनाओ, जब ये बैठ के यही बात होंगी हमारी। रही बात जो है कौन खोल के बात है पंडित जी, यही मुकेश से कही है, यही तो कही है, दादा तो अपने गए भैया सड़क में गए मांगा, वही इनकी बात जो बिल्कुल एरिया जो है आप बिल्कुल मन मना लो, जो इनसे बढ़िया अपने एरिया से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बढ़िया कोई बात कहीं भी नाम सब जगह डोले आए, कोई 20-22 साल आए बीजेपी में ना कहीं अपना मारे छाया में ला रहे, ये बड़े बुरे इनका अनुभव है, या तो कोई दो राय ना ये मारिए तो हमें छाया में ला रही है, धूम में लगे ये नहीं समस्या की बात, एक समस्या ना ये खुद ही समस्या में बैठे, इन्हें बताने की जरूरत हमें कहा कर दिया, बताओ कहा बताने की जरूरत पड़ी, तो आप लोगों की समस्या का निदान होगा और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी आगे भी बढ़ेगी। मैं मन से आपको आश्वासन देना चाह रहा हूँ कि आप बिल्कुल निचनते के अपने काम में कर दे, आपकी बात मुख हो, जय हिंद जय भारत। भाई देवीराम जी ने बहुत अच्छे विचार रखे, भाई घना ही फायदा होने वाला, एक तो जो बुढ़े होते जा रहे उन्हें 6,000 मिलेंगे एक ना घोषणा है मुख्यमंत्री की और दस्तखत कर दिए 6,000 है, और जो भाई गरीब है उनके 100 गज का प्लाट कितनी जबरदस्त, और यह बीजेपी ने हमारा जो डोरा हो ना लाल डोरा वो और खत्म कर दिया और वहां की पहचान कर दी, आईडी प्रूफ लगा जो बहन भाई के झगड़े हो, ये झगड़े पार्टी है या की प्लानिंग है समझो, या की प्लानिंग बहन के भाई लड़े मुकदमेबाजी में फंसे और एक बीजेपी का झंडा उठाए डर के मारे, बहन के डर के मारे, इनको खेल तगड़ा है, ये बहुत 100 साल की सोच है, झगड़ा पार्टी है, हिंदू से मुसलमान लड़ाओ, जाति से जाति लड़ाओ, या पार्टी से भाई बच गए, अब आप नीरज शर्मा को ही ऐसा नहीं है, देखो जब ही छोटा था जब तक यू ओएसडी रहे आदिवासी मुख्यमंत्री को झारखंड का, ये बहुत दिमागदार है, कदम बंदी है, बहुत लंबा चौड़ा दिमाग है, और हुड्डा साहब तो सबसे प्यारा आदमी, भाई मैं तो रहा हूं पर जब ज्यादा जाने को मैं बहुत तेज आदमी जाने को, तू दूर हो तो किसान आंदोलन में जा ले जा, मैंने अपना रास्ता बदल लिया, भाई मैं दो एक जगह ठीक ना रहे करे, मैं कह राजनीति कर रहा छोटा बेसक दिमाग हाई फाई है, है तो भाई ज्यादा ना कहते हुए मैं मेरे सम्मान से प्रार्थना करूंगा कि भाई आज अपने विचार रखें, आपका सबका प्यारा है नीरज शर्मा। भैया पत्रकार साइड में आगे बड़े बड़े उनके चेहरा ना बोल मान सम्मान यहाँ उपस्थित समस्त गांव के सरदारी बुजुर्गो युवक शक्ति को हाथ मोहन के राम राम पत्रकार साथी बोल शक्ति नाथ
साथियों मामले में कर या कि माफी चाहूं एक को भी रह रहा ना मुझे कुछ है उल्टी माला फिर दे वो देवी राम ने मेरा ना दिया मैं तो नाराज है बैठा गया थे ये भी अब समय की बात बाद में लड़ लेंगे देखो नाम दे आता पहले भी सारे भी लग जाते बात है हम सत्ता में भी ना हमारी जो स्थिति हुई गाँव वाले कभी करो नहीं काम में आ जाए कर नहीं ना और कोई हाथ मिला ले करो यू सोच करो दो दिन हाथ मिला साफ कर लो ऐसे सोच बना रहा है समर्थन तो आप दे रहे वो भी दे समर्थन और वोट में वो तो डिक्लेयर करो कि नीरज शर्मा चुनाव लड़कर चुनाव हम लड़ रहे तो हमारे जब जाके जीत के हिसाब किताब बढ़े 20,000 नहीं तो 1,000-2,000 करोड़ सब चाहिए बात मेयर साहब कह के एक भी बात पीछे नहीं मिले और मैं छोटी सी बात पूछना चाहूँ भाई चलो हम पे वो गलती होगी वो पे होगी होगी भुट्टा पे तो कोई गलती ना होगी अब तक क्या हुई हो तो बताओ और भुट्टा की जुबान को का ये विश्वास ना हो तो बता दो विश्वास है तुमने पकड़ी थी उड्डा तो फहराई हुड्डा ने यू डिक्लेयर कर दिए कि फरीदाबाद के मेट्रो गुड़गांव चलाऊंगे हुड्डा साहब ने आज तक झूठा वादा ना वहां की मेट्रो चलाऊंगा तो प्रतापगढ़ तक चलाई वन की ये सारी मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा तो बनायो वन की बदलपुर फ्लाई ओवर बनाऊंगा तो बनायो वन की खेड़ी में कॉलेज बनाऊंगा तो बनायो वन की पचपन में अस्पताल बनाऊंगा तो बनायो वन की लहजे पहली पार्क बनाऊंगा तो बनायो और भैया खूब तो पानी दिया उठाने बाबा मंत्री हमारे गांव के कलोनी को तरक्की तो यूं तो मान के चलो के हुड्डा साहब बैठो तो देवो ही देवो गुरुद्वारा में लखानी धर्मशाला में घोषणा कर दी पिछले साल यहाँ पे आप सब गए अब वो सिर्फ एक बात बता दो वो जब मेट्रो चलेगी तो वह मेट्रो को स्टेशन प्याली चौक पर चाहिए कि पीके चौक पर चाहिए प्याली चौक पीछे वाले को पीके पर चाहिए या भी बताओ बताओ चला रहे हो सारा ना बोले थी उसका नाम सारा रोकिए बोले बोले दूर तो दूर थे उसके पंडित जी आपका नाम भी सारंग चौक ही होना चाहिए पहले जो बात कर रहा हूँ आपका प्याली चौक पे चाहिए कि पीके पे चाहिए प्याली कहीं तो चाहिए पीके चौक तो बड़ा मशहूर जगह है सभा में जामे सुखपुर में अस्पताल में प्याली पे ही को चाहिए कोई कारण तो होगा तो प्याली पे चाहते हो नजदीक है फिर हमारे गांव का नाम रोशन होगा वो खड़े पे बोल रहे हैं नजदीक है जाने चाहे चाहे 10 मिनट ठीक है पब्लिक कहीं जाएगी प्याली चौक है प्याली चौक पे मेट्रो चाहिए भाई ने कहीं नजदीक देखो जी नहीं वार्ड इंतजार बहुत पब्लिक है यहाँ भी जब तुम्हें मेट्रो नजदीक की चाहिए तो एमएलए दूर को क्यों चाहिए तो किसे चाहिए तू बात किन्हें समझा आइए ना किन्हें ना बैठे ये बंद करो ये वाला हाँ
हाँ बस बंद कर रहे हैं। पंडित जी को कोई पता ना लिखो बात है की सदा मदा तो राम जी को भी दा देना काई को भी डिलिमिटेशन हम 26 में फिर हो रहा हूं। अब कई बाहर वाले कई दिनों सबक सिखा दियो टिकट तो ही पॉलिटिकल पार्टी बांटे कई बाहर वाले हमारे इलाके की तरफ आने की सोच रही ना पार्टी सोचे और कोई गलती से पार्टी देखने लगे तभी बाहर वाले कहते भैया हम काम कलोनी की तरफ मुंह करके ना सोच जा रहे हो वहीं से लड़ लो। बाबा जाते जाते एक ही बात कह लो बेटा या तो राजनीति छोड़ देना या इलाका छोड़ देना रहने की तो टाउन बढ़िया सेक्टर बढ़िया राजनीति को हमारा इलाका बढ़िया क्यों। आज हम बीजेपी की बात करें राष्ट्रीय पार्टी है यो बता रहे हो देखना भाई साहब अभी तो आए बातें फिर दवाई में रहे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन दो बीजेपी के ज्यादा काई के कार्यकर्ता ना एक कार्यकर्ता नहीं तो बीजेपी का ऐसा पूरी 1986 में जब बीजेपी टिकट दे देती काई भी दे देती तुगलकाबाद का उदाहरण दिया भैया छह करके लड़ेंगे जीतने को हम तो घर को काई हम पकड़ लेंगे काई तुम पकड़ लेंगे काई कोई पकड़ लेगा काई कोई पकड़ लेगा बाहर के कहां से जाके ढूंढेंगे। और नेचर में आपको मैं झारसेंट की में कह दिया मैंने भैया तुम लगे जन्म स्थली का सहारा ने पर यहाँ चुनाव में तो कर्म स्थली का अगर धर्म तो मुझे टाइम ना चाह आपकी नहीं तो पैसा नहीं तो यहाँ तक कर लाती होगा। अब कई चाह तो मैंने इकट्ठी करी मैंने भैया चलो बिना जा रहा तो इकट्ठी कर लो जमा मिला की पर मेरी आपसे विनती है यहां में गिनती करने लगूं तो 100-150 आदमी पर 100-150 आदमी ना हर आदमी एक मजबूत स्तंभ है अपने आप परिवार का भी इलाके का भी रिश्ते नातेदारी के हिसाब से भी समाज के हिसाब से और इतना मेरा दावा है ये तो बहुत ज्यादा है आप एक चौथाई भी जाने समय जनता पैर रखो ना देता रहे और जो इलाके थे जारी करने की सोच रहे मैं जो इलाके थे बाहर के आदमी है ना वोट देने की बात कर रहे हो तो मेरे हिसाब से वो आदमी इलाके से लगता है वाकई हो जाए आप जाकर बैठ जाओगे ना काय की औकात ना जो आपकी बात है वो लौटा सकते हैं। यू तो अब 11 दिन रह गए चुनाव के मैं यू तो कहना सकूं बड़े पूरे बैठे हो कि नीरज शर्मा बंदा भैया मिल नहीं है तो सब बाबा हो बाबा जिंदा होते जैसे मिल नहीं है काम करते मिल नहीं है तो आप बाबा बनते यू भी मेरे दुर्भाग्य है कि दूसरा चुनाव लड़ रहा हूँ बाबा मेरे पास नहीं होते तो बहुत खुश होते और मैंने पहले भी कही जब बाबा की समाधि पे हकीकत में मैं ऐसा हो ना नहीं हूँ ये तो समझने की बुराई की भी बताओ अच्छाई की भी बताओ कि नीरज शर्मा आएगा क्या आदमी था। मैंने 19 में बाबा की समाधि पे जब आप सब बैठे उठा साहब आए थे लिए हुई बात सिरोही में कभी ज्यादातर तो बहुत दिनों से जाने के बहुत चुनाव लड़े तो मैंने एक ही वचन दिया था मैं कि भाई आपसे पहले का मेरा व्यवहार आचार विचार चरित्र खान पीन लेन देन सब भूल जाता मैं आपको शिकायत का मौका दिया और वो ना लगे मैंने 5 साल में इतना भी गलत काम किया और जितना मैं इस सरकार से लड़ा अगर जो मैं देख भी छूट दे दे तो नहीं सरकार है सबसे पहले हरियाणा में वो ये मुक्ति है ना ऐसा ना इनकम टैक्स वाले जी ने मेरे घर पर रास्ता ना दे और यू बिना गया सरकार ने मेरे पीछे पकड़ाना खोजे मेरी
सब चीज पहुंच जाके। और रही बात काम की, भाई साहब ऐसा नाम है सौ में तो जीरो नंबर। यूं तो मेरे कुत्ता भेड़ नंदा नगर निगम में करती है, क्योंकि लोकल लेवल का लोकल राजनीति थी और वो छोड़कर सब चीज तो बीजेपी मेयर लो, पार्षद लो, डिप्टी मेयर लो, कैबिनेट मिनिस्टर लो, स्टेट का मिनिस्टर लो, बाकी विधायक लो, मुख्यमंत्री लो, बाकी तो जो चंडीगढ़ के काम है जिनकी फाइल नगर निगम तक ना आए गए वो सारे काम कराए मैंने। बल्लभगढ़ सोना तोड़ है, मेरे हल्का की पन्नी बर्तन वाली आज तक उठी पड़ी है, खेड़ी कॉलेज में हरियाणा का नंबर वन ऑडिटोरियम बनवा रहा हूँ, फतेहपुर तगा में 8 करोड़ PHC को लेके आया, लेजर में निपारक नगर निगम में तब तो पहले शिफ्ट करवाया मैंने FNDA में, मिर्गी नगर निगम में इंतजार न करते थे, इन्होंने फवारे तोड़ दिए, दोबारा फवारे लगवा लो, कोरोना में काम किया, मजदूरों के लिए संघर्ष किया, वाजीबाद 55 को अस्पताल बंद हो चालू करवा के आया, वो बात दूसरी है। इन्होंने वो नाले ना फोड़ दिया, ये जो सड़क है हार्डवेयर से प्याली और आई चेक चौक से गैलरी नहीं था और स्टीलिया से प्रेस कॉलोनी और हार्डवेयर चौक से 55 के टी पॉइंट तक यूपी विजय शर्मा की मेहनत है, यू पिछली सरकार में टेंडर हुआ 120 करोड़ HSIDC डिपार्टमेंट का और वो गणेशी लाल जो गवर्नर थे उनका रिश्तेदार था, वो ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन ठेकोवाद इनके आपस में मंत्री के झगड़ा हो गई, फिर तुम माल खा के मैं माल खाऊ तो वहां की वो टेंडर जाता मैं छूट हुआ या HSPP डिपार्टमेंट ने करवा लिया, ये भारत सरकार का पैसा तो झट ठेको दे दिया HSPP और वो ठेका छूटा 80 करोड़ तो ब्रजगोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी वाला स्टेट गया। मेरे बंदे के संग जल्दी चाहो गुरुद्वारे को वो कहने के लिए पैसा की मिट्टी डाल रहे सरकार ने मैंने कर दी थी कोर्ट पेश किया नहीं कर सकते, मैंने 2 साल लड़ाई लड़ी और ये मैं नहीं कह रहा हूं जो खट्टर का चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे देसी साहब एज ए चीफ सेक्रेटरी उन्होंने हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हम ब्रजगोपाल का ठेका इसलिए कैंसिल कर रहे 41 करोड़ महंगा। फिर मैं कई बार गया वह ब्रजगोपाल का यहाँ पे ठेके हम रखते गुड़गांव में भी है, मैं भी चलो कोर्ट का आदेश तो अपनी जगह, एक भाई है तो परेशान कर लो और हरियाणा सरकार बाकी ठेके क्यों दे रही। तो शुरू शुरू में खट्टर सुनने कर बुलाई बाकी चूड़ी टाइट करी, फिर उन्होंने केस वापस नहीं किया, ये सड़क की जमीन है सारी की सारी, बीजेपी वाले तो मुंह में दही जमा के बैठे थे और एक एक चीज के कागज नहीं देते थे। और रही बात कानून की, देखो बाबा तुम तो चला के कट्टा तो नहीं चला दे तो और वो कट्टा चलाने की जरूरत ना पड़ेगी, जापे कृपा राम की हुई तापे कृपा करे हर कोई। ये जो 2 बार मैं मौत के मुंह से वापस आया गहुटा साहब गंगा जी ने कह दिए ना भगवान के बाद कह देंगे मैं तुझे सीएम बन गया बाप तेरे क्यों तो बताया करेंगे मुझे जब मैं मुख्यमंत्री बन गया तो मुझे 2.5 मिनट की ऐसी फिल्म लिखी कि पैदा होने से लेके अब तक क्या क्या हुआ जब मौत आ तो संबंधित भी थे और गैलरी बन भी गए। मैंने कहा जी भगवान ने आपको बचाया है ना किसी अच्छे काम के लिए बचाए और बाकी सब चीज जिंदगी की आपने देख ली मुख्यमंत्री की सीट बच गई है जब दुनिया इधर से उधर हो जाए अब ये तुम्हारे स्वरूप बदल गया
और जो तुम चार गुना वाली डिप्टी चीफ मिनिस्टर है तो राम जी ने भी दो बार को जिंदगी दी है तो शायद सीनियर दी है। नहीं तो 54 दिन नंगे पैर चलना और ये कांटा ना लो, ये भगवान की कृपा मेरी कृपा की। और जो ठंड थी अपनी बार ऐसी भी कर ठंड भी ना पड़ी। मुझे एक दिन तो बहुत बड़ा नेता कह रहा कि नीरज तू कोई सुपोर्ट ना सा करे बेनती जी क्यों अरे यार मैंने जैकेट पहन रखी है अंदर बार्मर पहन रखा है तेरे को ठंड नहीं लग रही बेनती ठंड तो लगे अब तपस्या देगी ठंड देगी कह रहे तू ठंड को बर्दाश्त कैसे कर रहा बेनती यू मोदी ने कहा मेहनती मुझे भाई साहब मानो मैंने 103 दिन जुकाम नहीं लगा जबकि अब हालत खराब हो गई है तो ये भगवान ने जिंदगी दी है। मैंने कभी सपने में सोची मुझे भाई साहब आपने सोची मैं राम कथा करूंगा झारखंड तक घूम के आ गया जो रुतबा देखो अगर सिस्टम देखो आपने चलो बाकी ने तो ना देखो या जितने बैठे आप इतने ही नहीं जानते कभी सपने में उम्मीद ही नीरज शर्मा राम कथा करे हो ये नीरज शर्मा है सुबह भी आए ये भी राम जी की माया अच्छों की उम्मीद करवाओगे बुरों की उम्मीद करवाओगे तो भाई ऐसी मेहनत कर दो। देखो हरियाणा फर्स्ट रिकॉर्ड को पहले कर दो फर्स्ट रिकॉर्ड को पहचान कर दो मेरे तो पहले 5 में 10 में नंबर ला दो मैं तो वहां में भी लगा मैं थोड़े भी संतोष करने वाला हूं पर वो बात जब होगी आज क्या तारीख हो तारीख हो आज का दिन तो निकल गया 23 है 7 तो हजार महीना के बच गए और 4 11 बच गए ये 11 दिन में मेरी छुट्टी है और वो कुछ ना मैं यूं भी ना कह रहा झाड़ से नीचे कम से किसी से डर के परेशान हो घर के वो मुकदो वो तो जरूरत होगी ना प्लॉट छोड़ो तुम कितनी बेच के लिए हो वो बच्चा की तरह क्या करे पर वाचिक की जरूरत होगी ना वो मिले ना वो आपके लिए बचपन यही निकाला है कि करो पर क्या करते सुबह करते रोटी खाली खाली रात को मेरी मिलेगी नहीं तो जाने दे दी राम जी का भरोसा है पर 11 घंटे मैं तुम तो 2 घंटे आ गया 11 को मैं पूरे और अपनी ऐसी टोली बना लो टीम बना लो कि जो सफेद कुर्ता धारी सबसे ज्यादा बेचा बैठा हो कि सबसे पहले तुम सफेद कपड़ा धारी पे जाओ कि भैया ठीक है पार्टी की मजबूरी हो सके चुपचाप कहीं बैठ जा कहते हैं ना बचपन में चुपचाप चिड़ी को बाप और चिड़िया मर गई सबको बाप ठीक है तुम ना कह रहे अपनी पार्टी से नहीं करो पर घर में तो बैठ सको हारी बीमारी भी लग सके रिश्तेदार में भी आना चाहता हो सके इस पर हिंदुस्तान में घूम घूम भी हो सके क्योंकि सफेद कपड़ा वाले आप 2 दिन में सेट कर बेकार में पाए नाम तो भाग्य नाम भाग्य बार नीचे की थी और ये मेरी आत्मा कह रही है मेरा रोम रोम कह रहा आप शांति नाम बाबा का नाम लेके जाके जब बच्चे में पड़ गए निराशा हाथ लगे आप लगे निराशा हाथ लग सके नौ तारीख को तो बस ये मेरी धमकी है मेरी आपके अपील है और ये विश्वास है ना तो रास्ता रोकने की जरूरत पड़ेगी ना वो मुंह की जरूरत पड़ेगी